इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज और INN 7 में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना को लेकर फिक्र बढ़ने लगी है, इसलिए कि मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी है। बेलगाम जिला में एक और की मौत, बेलगाम शहर में भी एक और, मतलब कुल मिलाकर 3 मौतें अब कोरोना से हुई है। कोरोना से मरने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। एक और शहर से कोरोना पॉजिटिव की मौत होने से शहर का पहला और जिला का 3रे मरीज की मौत हुई है। हासिल इत्तला के मुताबिक हीरे बागड़ी अथनी के बाद बेलगाम शहर के गुडशेड रोड शास्त्री नगर के 72 साल बुजुर्ग की मौत कोरोना से होने से शहर में फिर से कोरोना का मौजूद जेर बहस आ चुका है। मयत बुजुर्ग बेंगलोर से बेलगाम 17 जून को आया हुआ था। बीमार रहने की वजह से जिला अस्पताल में जेर इलाज था और वहीं उसकी मौत हो गई। इससे पहले शाहपुर के निजी अस्पताल में इसका इलाज जारी था, लिहाजा जिला अस्पताल में लाने के बाद स्वैब टेस्टिंग किया गया। नतीजे आने से पहले ही मरीज की मौत हुई, मौत के बाद पॉजिटिव बताया गया। घर के तकरीबन 9 अफराधों को निजी अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया। पहले हीरे बागेवाड़ी से बुजुर्ग खातून, अब अथनी से 32 साल उम्र इंजीनियर की मौत और अब बेलगाम शहर से भी मौत के बाद सेहत महकमा की फिक्र में इजाफा हो। रियासत में कल एक ही दिन में 20 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। बेल्लारी में 12 की मौत दर्ज की जा चुकी है। बेलगाम शहर में एक बार फिर पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ते जा रही है। पूरे रियासत में आज एक ही दिन में तकरीबन 1300 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए। बेलगाम शहर में 8 पॉजिटिव मरीजों में इजाफा हुआ, कुल मिलाकर 338 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। रियासत में बेंगलुरु सर फहरिस्त रहा। आज भी सबसे ज़्यादा मरीजों की तादाद बेंगलुरु में ही रही। तकरीबन 170 से भी ज्यादा मरीज आज ICU में दाखिल किए गए, जेर इलाज हैं, जहां कोरोना मरीजों की बेतहाशा बढ़ती तादाद से इंतजामिया परेशान है। वहीं बकरियों में भी कोरोना पॉजिटिव टेस्ट पाया गया। बकरियों में पॉजिटिव हासिल होने से मुसीबत बढ़ चुकी है। तकरीबन 50 के करीब बकरियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। टुमकुरु के गोडकेरे करिए में जब 4 बकरियों की मौत हुई तो इनका टेस्ट किया गया जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तकरीबन 1000 लोगों के 300 मकान इस गांव में है। रियासत सेहत महकमा अब जानवरों में भी कोरोना पॉजिटिव से फिक्र में मुब्तला है। दक्षिण कन्नड़ में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर केरला ने सरहद को बंद कर दिया है। बेलगाम जिला में 8 मरीज पाए गए तो होम क्वारंटाइन किए गए लोग जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था घरों से बाहर घूमते देखा जा रहा है, लिहाजा 573 लोगों पर हुकूमत की जानिब से कार्रवाई करने का ऐलान किया गया। 9 मई के बाद दिगर रियासतों से बेलगाम में दाखिल होने वालों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मालूमात रखी जाती है, पर कुछ लोगों ने अपनी तफसीलात दर्ज किए बगैर बेलगाम जिले में दाखिल हुए। अब इंतजामिया ने इनका पता लगा लिया है और इन पर कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म जगदीश के एच ने दिया हुआ। कुल 573 है जिनमें शहर बेलगाम से 75 है। इतवार 6 तारीख को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला लिया गया है और हर इतवार यानी कुल 4 हफ्ते लॉकडाउन रहेगा, पर शादियां जिनकी पहले से तय है इन्हें इसकी रियायत है जिसमें 50 लोग शरीक होंगे। मुकम्मल लॉकडाउन की अफवाह फैलाई जा रही है पर हुकूमत की जानिब से कोई फैसला अब तक नहीं आया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।